नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर कौस्तु वुमन साइंस एक्सप्लोरर। और इस बार की एक ऐसी एक्टिविटी है जो शायद पर डे लाइफ में कोई ना कोई करता है, लेकिन सर उसके पीछे की साइंस हमें नहीं मालूम है। तो दोस्तों वो एक्टिविटी क्या है, तो ये है दोस्तों एक्टिविटी, ये देखिए एक माचिस है ना। तो ये रही माचिस, और माचिस को जब हम निकालते हैं तो ये देखिए, ये मैंने क्या करते हैं, हमको भी मालूम है, आप भी जानते हैं क्या करना है। ये देखिए, इसको मैंने हीट करा और ये माचिस जो है क्या हो गई, जलने लगी। अब ये माचिस देखिए कितने आराम से जल रही है। शायद हमारे जो है प्राचीन समय में, प्राचीन युग में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी फायर की खोज, और फायर की खोज के बाद मुझे लगता है सेकंड सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ये माचिस की खोज, जैसे माचिस बनाएगी। तो दोस्तों इसकी केमिकल क्या है, इसकी साइंस क्या है पीछे, तो ये थोड़ा हम लोग को समझना चाहिए। तो दरअसल होता क्या है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो है दोस्तों, ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये जो लाइन आप देख रहे हैं, स्ट्रिप देखते हैं, ये रेड फास्फोरस दोस्तों होता है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब इसमें ये जो आप देख तरीके से देखते हैं, ये जो माचिस लेते हैं, जब हम इस पर घिसते हैं कुछ इस तरीके से, तो दोस्तों उस समय क्या होता है कि ये जो रेड फास्फोरस है वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो मैजेस्टिक है, इस मैजेस्टिक में क्या होता है, तो दोस्तों इस मैजेस्टिक में होता है आपके पास पोटेशियम क्लोरेट। अब ये पोटेशियम क्लोरेट क्या करता है, इग्नाइट होने के लिए जो है एक तरीके से जो है हीट प्रोड्यूस करता है इग्नाइट होने के लिए, और देन फिर दोस्तों क्या होता है कि आप देखते हैं काफ़ी देर तक इसमें जो है फायर यानी कि आग जलती रहती है। तो उसके लिए जिम्मेदार होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है जो इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या करता है, जलने में हेल्प करता है। नीचे आप देख रहे हैं वुडन लगा हुआ है, तो कितनी छोटी सी साइंस है। तो ये साइंस आपने इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे पे जरा सा समझा होगा। और अब हम लोग जो है क्या करते हैं, कुछ ऐसे जो है एक रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ करते हैं, और उन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे एक मेरे पास ये माचिस का एक पीस है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद क्या हुआ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ वापस, और इस तरीके से थोड़ा सा छिड़क देता हूँ, और छिड़कने के बाद मैं इसको जलाना चाहता हूँ, देखते हैं जलता है या नहीं। देखिए दोस्तों कुछ आवाज़ हुई, ये गीला था, उसके बावजूद देखिए कितने आराम से जल रहा है दोस्तों। देखा कितना इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी आपने देखी, ये देखिए ये जला हुआ था, ये देखिए, और ये बड़े आराम से आप इसको देख पा रहे हैं, मैं प्लास्ट के हेल्प से पकड़े हुए हूँ, और ये जल गया। दोस्तों जानते हैं क्या क्या इसके पीछे लगता है आपको, कोई जादू है? बिल्कुल नहीं दोस्तों जादू है, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे की टेक्निक। जैसे मेरे पास एक ये आप देख रहे हैं एक, और ये देखिए ये मेरे पास एक और छोटी सी स्टिक है। तो मैंने करा क्या था इसमें, बस ऐसे ही ये जो है आप इसमें देख रहे हैं जो मेल्टेड कैंडल है, उस कैंडल में मैंने थोड़ी देर इसको जो है केवल घुमाया, और थोड़ा सा इसका जो पैराफिन है कैंडल का वो इसमें लगा लिया, ठंडा करा, पानी में देखिए इसको डाल दिया, और पानी में देखिए मैंने इसको पानी में डाल दिया। अच्छे से पानी में डालने के बाद मैं वापस से इसको निकालता हूँ, वापस से इस फ्लास्क की हेल्प से इसको पकड़ता हूँ। ये देखिए फ्लास्क की हेल्प से देखिए दोस्तों मैंने पकड़ लिया, और इसको देखिए लेके जाता हूँ, थोड़ी सी चिड़चिड़ाने के बाद देखिए जल गया, कितना अच्छा जल रहा है ना। देखा दोस्तों ये देखिए, अगर मैं साधारण सी माचिस होती तो देखो ऐसे करते था बुझ जाता, लेकिन क्या हुआ ये जल रहा था, है ना। तो ये दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि मैंने क्या हुआ, पैराफिन की एक इसमें लेयर बन गई इस मैजेस्टिक पे, जिसने पानी के बावजूद जो है ये जल गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर जैसे कभी बाढ़ वगैरह आने की संभावना होती है जिन जगहों पर, तो ऐसे हमें लगता है बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि ऐसे माचिस की जो मैजेस्टिक हैं उनको क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर एक मेल्टेड वैक्स आप गिराइए, और इसको थोड़ा सा करके आप अपने पास रख लीजिए। और ये जो मैंने ये पता ना, जैसे ये स्ट्रिप होती है रेड फास्फोरस वाली, इस स्ट्रिप को आप केवल बस अपने पास संभाल के सूखी रखिए, और दोस्तों आपका भीगने के बावजूद वो माचिस बहुत अच्छे चलेगी, और कई बार तो ये आपको एक जो है कैंडल के तरीके काम करेगी। तो दोस्तों थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। अब दोस्तों जो मैं एक सेकेंड एक्टिविटी करने वाला हूँ, और वो एक्टिविटी है एक तरीके से समझ लीजिए कि वो जो है एक ट्रिक मान लीजिए उसको, मैजिक ट्रिक है ना। और वो दोस्तों वो मैजिक ट्रिक आप अपने दोस्तों के साथ कर भी सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये एक्टिविटी है। तो वो मैं एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला हूँ, उसके लिए देखिए क्या करता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे,
कि यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, उसके ऊपर एक इंक्लाइंट एक माचिस रखी हुई है, और इस माचिस पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये देखिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये देखिए, ठीक, तो ये रखी हुई है। और अब आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि ठीक है इस जो है सिक्के को निकालना है लेकिन तीली नहीं गिरनी चाहिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कोई। तो दोस्तों देखा आपने कितना मस्त एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा, ये देखिए मैंने सिक्का उठा लिया और माचिस की तीली जो है गिरी भी नहीं, वो देखिए अभी भी मैं इसको बुझा दूँ तो आप देखेंगे स्टिक है, ये देखिए है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। थोड़ा सा एक अगली एक्टिविटी हम लोग देख, दोस्तों अब क्या करना है, ये माचिस आप यहाँ पर लगी हुई देख रहे हैं ना, और मैं चाहता हूँ उसको विदाउट मैच स्टिक अगर जलाना हो तो कैसे जलाएं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की बात है, एक रिडल है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ जला के कैसे जलेगी, ऑटोमेटिक देखिए कैसे जलने वाली है, जल गई दोस्तों। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग वे पे ये एक्टिविटी आपने देखी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपने देखी, ये कैसे जल गई। तो दोस्तों क्या था, बस मेरे पास एक हीट गन थी, बस कुछ देर मैंने इसको हीट दी, तो आपने देखा कि जो है हीट के कारण ही जो है क्या होता है, ये अपने आप जो है जल गए। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, हम लोग बहुत बार सोचते रहते हैं कहीं पर कोई आग लग जाती है कि आग लगी कैसे होगी, तो अभी मान के चलते कि कुछ पॉइंट पर अगर लगातार हीट कुछ देर तक लगातार पड़ती रहे तो उसको जलाने के लिए आग की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने आप जल जाती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। तो दोस्तों फिर एक जो है हम लोग एक्टिविटी और देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है वो भी, मुझे लगता है आपको बड़ी मजा आएगी देख के। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ इसमें, इसको माचिस को ऐसे मैंने इसको जो है कैंडल को जला दिया, ठीक है। देखिए नहीं जल रही ना, ठीक है नहीं जल रही, देखिए जल गई। ये तो पैराफिन वाली दोबारा फिर से एक बार कर दी। अभी एक्टिविटी क्या है दोस्तों, कि इसमें थोड़ा सा मैं जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। दो मेरे पास जो है मैच स्टिक है, और ये मैच स्टिक देखिए कैसे चलेंगी, ठीक है, ये मैच स्टिक कैसे चलेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मेरे पास क्या है कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक मैच स्टिक है, जिसमें मैंने क्या करा है, इस कटर की सहायता से थोड़ा सा मैंने इसको छील दिया है, और एक आप ये देख रहे हैं जो कि प्लेन बिल्कुल जो है मैजेस्टिक है। अब मैं दोनों को जलाने वाला हूं, जल गई, अब देखिए ये दोनों जल रही हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप देख पा रहे होंगे दोनों जल रही हैं आराम से, ठीक है ठीक। देखिए ये लेकिन क्या हुआ, ये देखिए बुझ गई, बगल वाली जो थी वो बिल्कुल क्या हुआ बुझ गई, और ये देखिए आप दूसरी वाली देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए मैं इसको बुझाने की कोशिश कर रहा हूं तब भी नहीं बुझ रही है, देखिए तो दोस्तों देखा कितनी देर तक ये जो है वो जलती रही। इसका पीछे का मैं रीजन बताता हूँ फटाफट आपको। तो इसमें क्या था, मैंने क्या करा था, हल्का सा कटर से इसको छील दिया था, छीलने की वजह से क्या हो गया कि जो है ये विंड रेजिस्टेंस हो गई मैचिस। तो ये सारी एक्टिविटीज बेस्ड थी आज की मैजेस्टिक पे, मैजेस्टिक की साइंस आपने समझी होगी, डिफरेंट एक्टिविटी करी होगी बहुत केयरफुली, फायर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी बहुत केयरफुली करनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको हैप्पी दशहरा, और दशहरा की आप छुट्टियों को एंजॉय कीजिए, और फिर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तब तक नमस्कार।